हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व की विनम्रता और शालीनता की जो छवि है वही उनकी असली पहचान है। बहरहाल उनकी इस पहचान की यादें ताजा हुई मां कामाख्या देवी के दर्शन पूजन के दौरान। देखिए रिपोर्ट। मां कामाख्या देवी के दर्शन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी असम की गुवाहाटी पहुंचे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शक्तिपीठ में सभी की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि सीएम सैनी के साथ उनकी पत्नी भी थी। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज मां कामाख्या ने आज यहाँ पर बुलाया और माँ कामाख्या का आशीर्वाद लिया है। ये सिद्धपीठ, ये तपोभूमि माँ कामाख्या की, यहाँ पर लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु शीश नवाने के लिए आते हैं। आज मुझे भी यहाँ माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने का अवसर मिला है, मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं माँ कामाख्या के चरणों में पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों और उनके उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली और विकास के ऊपर हरियाणा गति से आगे बढ़े, मैं इसकी कामना माँ कामाख्या के चरणों में करने के लिए आया हूँ। और माँ कामाख्या का ये आशीर्वाद ये मिला है, मैं परम सौभाग्य। माँ कामाख्या के दर्शन सौभाग्य। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज कामाख्या में हूँ। मुझे माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिला। ये बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ सैकड़ों लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ हूँ और उनका आशीर्वाद ले पाया। देखिए, क्योंकि श्रावण मास का महीना है और कल ही भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक हुआ है और सावन माह में लगातार वर्षा होती रहती है। यहाँ पर भी खूब ये वर्षा का लोग आनंद भी ले रहे हैं और माँ कामाख्या के चरणों में आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये बड़ा परम सौभाग्य की बात है और मैं पुनः पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के स्वस्थ और हरियाणा प्रदेश विकास की ऊंचाई कुछ हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, हमारा हरियाणा भी उस विकसित राष्ट्र में मजबूत कदम कंधे से कंधा मिलाकर के उसमें योगदान देने के लिए तैयार है। सैनी बोले, राज्य में फिर बनाएंगे सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दो महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बता दें कि हरियाणा उन 8 राज्यों में से एक है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। इन चुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर आगामी हरियाणा चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ मिलना हुआ है। उनके नेतृत्व में असम एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से लोक हित में काम कर रही है, हर मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इन 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विकास की एक नई गियर शुरू की है और यहाँ पर जो विकास के कार्य गति से हो रहे हैं, उस गति के अंदर हमारे हेमंत विश्वास शर्मा जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और माँ कामाख्या के चरणों में मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हेमंत विश्वास शर्मा जिस प्रकार से असम के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सेवाएं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, हमारा असम भी विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है, वो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और असम भी विकास की नई नई ऊंचाइयों को उनके नेतृत्व में वो छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार मजबूती से प्रदेश को और इस नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। हरियाणा और देश की भलाई की कामना।
सीएम सैनी ने कहा कि मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में विकासशील भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राज्य और पूरे देश की भलाई और विकास के लिए उनसे प्रार्थना करता हूं। मैंने देखा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राज्य कुछ गति के साथ आगे बढ़े और सरकार के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा में लगातार धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर जनता को संस्कारों और सुशासन का संदेश दे रहे हैं। माँ कामाख्या का ये दौरा उनकी ऐसी ही सोच का नतीजा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।